हेलो बच्चों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज मधेपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अष्टफलकीय समतुलों में समतुलों के चुंबकीय गुण, यानी कि प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड समतुल जो थे उनका अपन पिछले लेक्चर में उनकी चर्चा कर चुके। आज अपन देखेंगे कि चुंबकीय गुण जो है वो किस प्रकार के होते हैं अष्टफलकीय समतुलों के लिए। तो चुंबकीय गुण जो उस पर डिपेंड करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, यानी कि चुंबकीय गुणों की निर्भरता धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, धातु के डी ऑर्बिटल्स का विभाजन किस प्रकार से हो रहा है और क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो यदि अपने पास धातु के डी ऑर्बिटल विभाजित है और उनका विभाजित होने के बाद में निम्नतम ऊर्जा के जो कक्षक है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल उनका विन्यास यदि D1 से Dn है तो इनमें सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, यानी इनमें यदि इलेक्ट्रॉन करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से ये N+1 से Dn+4 हो तो इस प्रकार के विन्यास के लिए अपने पास दो तरह के इस विन्यास के लिए दो तरह के कंपाउंड बनने के चांसेस होते हैं। इस प्रकार से एक को इस सारे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद वापस इन्हीं ऑर्बिटल्स में भरना स्टार्ट होते हैं, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, यानी कि प्रतिचुंबकीय यौगिक होते हैं। और दूसरे का एक कि 500 डी ऑर्बिटल्स में लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में सभी ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद, यानी कि 5 ऑर्बिटल में पहले 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स है वहां से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होगी, वहां से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होगी। अपना एग्जाम्पल लेते हैं D6 विन्यास, यानी कि धातु आयन का विन्यास अपने पास D6 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। ऑक्टाहेड्रल में 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के होते हैं जो T2G कहलाते हैं, T2G, और 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी के होते हैं। तो D6 विन्यास में पहली कंडीशन के हिसाब से हम बात करें कि सारे इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद वापस आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या होगा 6 के लिए इस प्रकार से, पहली कंडीशन यानी कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में होंगे। दूसरी कंडीशन होती है सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और छठा इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा इस प्रकार से। यानी अपने पास दो तरह के विन्यास बन रहे हैं, एक तो D6 में T2G जो है T2G 6 और EG 0। 6 का मतलब कि T2G ऑर्बिटल जो है तीन ऑर्बिटल उनमें 6 इलेक्ट्रॉन है और EG 0 EG हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 0 इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है पहली कंडीशन के अनुसार। दूसरी कंडीशन के अनुसार T2G इलेक्ट्रॉन 4 T2G 4 और EG 2 EG में 2 इलेक्ट्रॉन है और T2G ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अपने पास दो कंडीशन बनती है, पहली बारी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद बाकी बचे इलेक्ट्रॉनों का इन्हीं ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होती है, और दूसरी कंडीशन सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद बाकी बचे इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं वापस से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। अपन D6 के लिए आगे देखेंगे, अब अपन बात करते हैं D1, D2 और D3 विन्यास के लिए प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड, यानी कि उनसे पता करेंगे कि चुंबकीय गुण किस प्रकार से होते हैं। अब अपन देखेंगे D1, D2 और D3 विन्यास के लिए चुंबकीय गुण, यानी कि केवल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे अपन, ऑक्टाहेड्रल समतुलों के लिए चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे विन्यास ले रहे हैं अपन D
D1, D2, D3 तीनों की एक साथ चर्चा कर लिया अपन, यानी कि समान समभ्रंश कक्षकों में समभ्रंश डी ऑर्बिटल्स में मान लो D1 विन्यास अपने पास और समभ्रंश ऑर्बिटल 500 एक समान एनर्जी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन 500 ऑर्बिटल्स में किसी में भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी 500 ऑर्बिटल्स में से कोई भी एक ऑर्बिटल इनको दिया नहीं जा सकता, यानी 500 में जाने के लिए अकेला इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। उसी प्रकार यदि अपन विभाजित डी ऑर्बिटल की बात करें ऑक्टेटल ज्योमेट्री के लिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, यानी नीचे वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा, तो D1 विन्यास के इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में एक समान है लेकिन पीजी से अलग है, एनर्जी में डिफरेंस है। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी ऑर्बिटल को जाने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी कोई भी एक निश्चित ऑर्बिटल नहीं दिया जा सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो D1 एक इलेक्ट्रॉन का आधार है किसी भी एक ऑर्बिटल। इस प्रकार से ये क्या है बिंदु जी और ऊपर वाले इसी। अब यहाँ पे विन्यास होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जाएगा तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे हम P2G1 और EG0, या हम सीधा भी लिख सकते P2G1, इसके द्वारा इसके विन्यास को प्रदर्शित किया जाएगा। अब अगर हम बात करें D2 विन्यास के लिए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से इस प्रकार से तो विन्यास क्या हो जाएगा P2G2EG0 या P2G2, और D3 के लिए D3 विन्यास के दूसरा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल, तो इसके लिए विन्यास हो जाएगा P2G3EG0 या P2G3। तो यहां पर D1 से लेकर D3 विन्यास में सभी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे यदि अपने पास पृथक धातु आए हैं, यदि लिगैंड इसके पास नहीं है, पृथक धातु आए में जितना अनुचुंबक को पाया जाता है यहाँ पे डी, यहाँ पे जो धातु आए हैं उस संकुल जो है उस संकुल में उतना ही अनुचुंबक को पाया जाता है जितना अलग से स्वतंत्र धातु आए में पाया जाता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और ये एक ही प्रकार के संकुल बनाते हैं, और इनमें है इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या D1 के लिए 1, D2 के लिए 2 और D3 के लिए 3। अब अपन चर्चा करेंगे D4, D5 और D6 के न्यास की। अब अपन देखेंगे D4, D5, D6 और D7 के न्यास की। D7 उसको
जिस कक्षक में रखने से एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी वो तंत्र या वो सिस्टम वो संकुल अधिक स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कम एनर्जी के अनुसार यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि पाई का मान जो है वो ज्यादा है डेल के बजाय, तो अपन इलेक्ट्रॉन का नहीं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं अनपेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन एयूनिट, तो इसका अनुचुंबकत्व ज्यादा होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, संकुल आयन का निर्माण करता है। दूसरी कंडीशन अपने पास यदि डेल का मान ज्यादा हो पाई से, डेल का मान ज्यादा हो पाई से, तो उस कंडीशन में कौन सा संतुलन बनेगा, प्रबल फील्ड लिगेंड, प्रबल फील्ड वाला लिगेंड होगा, तो स्प्लाइटिंग ज्यादा होगी और इंटेंसिटी और डेल का मान ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में अपने इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, अब अपने पास डेल का मान ज्यादा है यानी कि हाई एनर्जी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो अपन क्या करेंगे कम एनर्जी वाला प्रोसेस चुनेंगे, तो उसके लिए अपन पाई का मान कम है, पेयरिंग एनर्जी का मान कम, तो चौथे इलेक्ट्रॉन का रहेगा d ऑर्बिटल से वापस पेयरिंग करेगा। तो अब ये जो संकुल बन रहा है दुर्बल फील्ड संकुल, ये भी अनुचुंबकीय होता है, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है दो, यानी इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अपने पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो, और इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे चार। अनुचुंबक तो दोनों ही प्रकार के संकुलों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, यानी कि पहली वाली कंडीशन में दो और दूसरी वाली कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी अपने पास चार। अब अपन एग्जाम्पल लेंगे, पहला एग्जाम्पल अपने पास क्रोमियम S2 का होल 6 प्लस 2 और क्रोमियम CN6 माइनस 4। अब यहां पे क्रोमियम के लिए क्रोमियम से यहां पर लिगेंड जुड़ा हुआ है वीक फील्ड लिगेंड, S2 क्या होता है दुर्बल प्रकृति का लिगेंड होता है, दुर्बल दुर्बल फील्ड लिगेंड है, तो यहां पे क्रोमियम की जो चार इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार समझा जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, अपने पता है यहां पे दुर्बल फील्ड वाला लिगेंड जुड़ा हुआ है, दुर्बल फील्ड संकुल है, तो दुर्बल फील्ड होने की सिचुएशन में कौन सी कंडीशन होती है अपने पास, दुर्बल फील्ड लिगेंड पाई का मान ज्यादा होगा, दुर्बल फील्ड में पाई का मान ज्यादा होता है, सीएफएससी का मान कम होता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा यहाँ पे हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में, ये जी और ये P2। तो अपन इसको बोल सकते हैं क्या दुर्बल क्षेत्र, दुर्बल क्षेत्र की कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भरा जाता है कि पहले तीन इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे CN जो है साइनो समूह वो प्रबल फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड संकुल बना रहा है, तो क्रोमियम के साथ, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है अपने पास डेल का मान ज्यादा होगा पाई की तुलना में, प्रबल फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्रोमियम की जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लाइटिंग ज्यादा होगी, सीएफएससी का मान बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़े जाएंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए डेल का मान ज्यादा है, तो हाई एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रॉन ना करके जो कम एनर्जी का प्रोसेस है वो चुनना, वो चुनेंगे अपन, तो पहले चौथा इलेक्ट्रॉन का आएगा यहाँ पे पेयरिंग करेगा, तो अब यहाँ पे दोनों ही संकुल जो है वो अनुचुंबकीय है, लेकिन यहाँ पे अनुचुंबकत्व का मान ज्यादा किसके लिए होगा, दुर्बल फील्ड संकुल के लिए, एक बार संकुल जो है वो ज्यादा अनुचुंबकीय होगा साइनो संकुल की तुलना में, तो यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे चार अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अपन इसके बाद देखेंगे D5 विन्यास के लिए, D5 विन्यास, अब
अपन बात करेंगे डी फाइव के लिए। डी फाइव में भी दो प्रकार के विन्यास होंगे, एक होगा टी टू जी थ्री और ईजी टू, और दूसरा विन्यास होगा टी टू जी फाइव ईजी जीरो। ये दो प्रकार के विन्यास प्राप्त होंगे। तो अपन एग्जाम्पल ले मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज एम एन एस टू का होल सिक्स प्लस टू, और दूसरा एग्जाम्पल ले अपन एफ ई एफ सिक्स माइनस थ्री, एफ ई एफ सिक्स माइनस थ्री। ये एग्जाम्पल आपके पास दिखाई दे रही, तो यहाँ पे मैग्नीज के जो पांचों इलेक्ट्रॉन है, पांचों इलेक्ट्रॉन वो किस प्रकार से बने हैं, पांच में से तीन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, अब जो दो इलेक्ट्रॉन वो कहां रह जाएंगे, सबसे पहले समकुंड ये देखा जाएगा कि यहाँ पे अपनी बात जो लिखेंगे वो प्रबल है या दुर्बल प्रकृति का है। तो यहाँ पे S2 जो होगा दुर्बल प्रकृति का लिगेंड होता है, तो दुर्बल क्षेत्र का होने से यहाँ पे कंडीशन बनेगी पाई का मान ज्यादा होगा और प्रबल लिगेंड प्रेजेंटेशन में पाई का मान कम होगा। तो पहली कंडीशन में पाई का मान ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन, तो विन्यास क्या मिलेगा अपने को टी टू जी फाइव और ई जी जीरो। इसके लिए दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए, दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए अपने को ये विन्यास प्राप्त होता है, एग्जाम्पल अपने देखा। और इसकी बात करें एफ ई एफ सिक्स, तो यहाँ पे आयरन के जो पांच इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से जाएंगे, फ्लोराइड आयन जो है वो भी वीक फील्ड लिगेंड होता है, दुर्बल प्रकृति का लिगेंड होता है। तो यहाँ पे जो विन्यास है एस टू के लिए वो सेम विन्यास होगा यहाँ पे एफ के लिए, एफ ई एफ सिक्स संकुल के लिए यही विन्यास होगा, जिसके लिए पाई का मान ज्यादा होगा डेल का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से चले जाएंगे और विन्यास अपने को इस प्रकार ये वाला मिलेगा टी टू जी फाइव ई जी जीरो। दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए इस प्रकार का विन्यास होगा अपना, और एयर एस ओ दोनों ही दुर्बल प्रकृति के लिगेंड है, जिसके कारण अपने को इस प्रकार का विन्यास प्राप्त होता है। अब अपन प्रबल फील्ड लिगेंड की बात करेंगे, प्रबल फील्ड लिगेंड की एग्जाम्पल लेंगे एग्जाम्पल ले रहे हैं एफ ई एन ओ का होल सिक्स माइनस थ्री और एफ ई सी एन सिक्स माइनस थ्री। अब इनमें आयरन की जो पांच इलेक्ट्रॉन वो किस प्रकार से ले जाएंगे, पांच इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे एन ओ टू जो है दोनों ही लिगेंड प्रबल फील्ड लिगेंड है, तो दोनों ही कैसे हैं प्रबल, एनओ2 भी प्रबल लिगेंड होता है, सीएन भी प्रबल लिगेंड, तो यहां पर प्रबल लिगेंड होने की कंडीशन में अपनी ये सेकंड कंडीशन काम में आएगी, यानी यहां पे डेल का मान जो है वो ज्यादा होगा, स्लाइडिंग ज्यादा होगी प्रबल फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होने के कारण, तो ज्यादा डेल का मान ज्यादा होने के कारण यहां पे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ले जाएंगे सिंगल, और अब यहां पे पेयरिंग एनर्जी का मान कम है डेल का मान ज्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी का मतलब अपने को जो बाकी बचे दो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवानी पड़ेगी इस प्रकार से, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन। प्रबल फील्ड लिगेंड के लिए इस प्रकार का विन्यास प्राप्त होता है, और एग्जांपल था अपने पास एफ एन का होल सिक्स माइनस थ्री और एफ एन सी एन सिक्स माइनस थ्री, यानी दोनों ही लिगेंड इस प्रकृति के हैं, प्रबल फील्ड प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण अपने को विन्यास मिलेगा इस प्रकार से। अब पहले विन्यास में जो दुर्बल फील्ड लिगेंड था उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी पांच, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है एक, प्रबल फील्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक और यहाँ पे पांच दुर्बल फील्ड में, तो यहाँ पे जो दुर्बल फील्ड वाले संकुल जो है वो प्रबल अनुचुंबकीय संकुल कहलाते हैं या होते हैं, यहाँ पे ये जो दुर्बल फील्ड वाले और प्रबल फील्ड वाले संकुल दुर्बल कम अनुचुंबकीय होते हैं, प्रबल फील्ड वाले कम अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे और दुर्बल फील्ड वाले प्रबलतम अनुचुंबकीय संकुल का निर्माण करते हैं, प्रबल
अनुचुंबकीय संकुल होते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे डीसी विन्यास विधि। यहाँ पे अपन देखेंगे डीसी विन्यास विधि। अब डीसी विन्यास के दो विन्यास हम लोग अपने पास T2G4 और EG0, तो EG2 या T2G6 या और EG0, ये दो विन्यास अपने पास, एक प्रबल फील्ड विन्यास होगा, दूसरा दुर्बल फील्ड विन्यास। अब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से ले जा सकते हैं। सबसे पहले लोअर एनर्जी गोल मेटल से 3 इलेक्ट्रॉन, अब बाकी जो बचे 3 इलेक्ट्रॉन है वो यदि दुर्बल फील्ड होगा, दुर्बल फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा संकुल में, तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी गोल मेटल्स में और 1 इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी गोल मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा। और यदि डबल फील्ड लिगेंड है अपने पास तो लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में न जाकर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे। तो दो प्रकार के विन्यास लेंगे अपने, T2G4 EG2 या T2G6 EG0। अपन एग्जांपल लेते हैं Fe(S4)+2 और CO(F6)-3, ये दो एग्जाम्पल अपने पास। अब अपने बताया H2O और F दोनों ही लिगेंड दुर्बल प्रकृति के लिगेंड होते हैं, दुर्बल प्रकृति के लिगेंड। तो अब जो आयरन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन वो किस प्रकार से जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन दुर्बल प्रकृति का लिगेंड जुड़ा हुआ है, दुर्बल फील्ड संकुल, दुर्बल फील्ड संकुल के एग्जाम्पल है क्योंकि दुर्बल फील्ड यहाँ पे संकुल निर्माण में भाग ले रहा है। तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से दे जाएंगे? पहली कंडीशन क्या थी हमने दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए? पाई का मान ज्यादा होगा और प्रबल फील्ड लिगेंड के लिए डेल का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मान किसका ज्यादा है दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए? पाई का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 चौथा पांचवा छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो अपने पास यदि दुर्बल फील्ड लिगेंड है तो पाई का मान ज्यादा है तो डेल के प्रोसेस से अपने को चलना होगा, यानी डेल का मान कम हो तो डेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, पांचवा भी और अब जो छठा इलेक्ट्रॉन बचा वो वापस से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा इस प्रकार से। यानी कि दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए अपने को ये विन्यास मिलता है T2G4 और EG2। ये था आपने दुर्बल फील्ड विन्यास। 2 इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉनिक संख्या है यहाँ पे 4। यानी कि ये जो दुर्बल फील्ड के संकुल होंगे ये कैसे होंगे? अनुचुंबकीय संकुल कहलाएंगे। अब अपन एग्जाम्पल लें प्रबल फील्ड संकुलों का। Fe(CN6)-4 और CO(NO2)-6 -3। ये दोनों संकुल प्रबल फील्ड संकुल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो साइनाइड समूह है और नाइट्रो समूह है दोनों की दोनों प्रबल फील्ड लिगेंड है, दोनों की नेचर ऐसी प्रबल फील्ड लिगेंड। अब इनके लिए इलेक्ट्रॉन वितरण T2G और यहाँ पे आयरन को कोबाल्ट के पास, यहाँ पे आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन निकालने के बाद। तो अब सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, अब चौथा पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? यानी कि संकुल में प्रबल प्रकृति का लिगेंड जुड़ा हुआ है दोनों संकुलों में, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पे डेल का मान ज्यादा होगा प्रबल फील्ड लिगेंड की।
का मान ज्यादा होने से अपन पाई के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, यानी पाई का मान कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा, चौथा पांचवा और छठा। इस प्रकार से यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में होंगे, युग्मित अवस्था में, पेयर्ड पेयर्ड कंडीशन में होंगे और इजी जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली रहेंगे। तो अपने पास डबल फिल्ड संतुलन की विन्यास आता है E2G6 2-4-6 और इजी जीरो, इजी ऑर्बिटल जो है वो खाली रहता है। तो D6 विन्यास में प्रबल फील्ड संतुलन जो है वो किस नेचर में होंगे, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट नहीं है। और D6 विन्यास में दुर्बल फील्ड संतुलन किस प्रकृति के होंगे, अनुचुंबकीय प्रकृति, अनुचुंबकीय प्रकृति, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, यहाँ पे 0। प्रबल फील्ड संतुलन में D6 विन्यास के लिए संतुल जो है वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और दुर्बल फील्ड संतुलन में D6 विन्यास के लिए संतुल जो है कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंटेशन के कारण। ये था अपना D6 विन्यास के लिए। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे D7 D8 D9 और D10 विन्यास के अगले लेक्चर में। धन्यवाद।